को धर के निकाल देते हैं। बढ़िया बढ़िया लिया ना। आधा गड़ा दिया। इक्कीस बरस से असो 21 बरस हमको हुआ। इसके पहले भी कोई परिवार में आपके बनाते थे? दूसरा आदमी बनाता था, बुजुर्ग लोग। आपको क्या लगता है आज के समाज देख के, इस समय इसके परिवेश को देख के आपको क्या लगता है, हिंदू मुस्लिम आज भी भाई बहन की तरह से हैं? और हम तो ये समझ रहे हैं सर जी, सब एकता है, कोई भी बात नहीं है। लोगों से क्या कहना चाहेंगे? लोगों से तो यही कहना चाहेंगे जो है कि संगठन से जो है कि सब त्योहार मनाए जाए। बुराई पर अच्छाई का त्योहार है यह दशहरा, और इस बुराई के प्रतीक रावण को ही इस कल के दिन यानी दशहरे के दिन कल इसका यहाँ पर रामलीला मैदान में इसे जलाया जाएगा। लेकिन इस पूरे रामलीला और रावण के कहानी के पीछे एक मुस्लिम परिवार खड़ा है कि जो पूरे इस हिंदू धर्म के त्यौहार को आगे लाने के लिए अपना एकजुट दिखाई दे रहा है। पूरे परिवार के साथ में जो इस मिस्त्री इसका निर्माण कर रहे हैं वो एक अनुकरणीय है इस पूरे समाज के लिए। सूर्य प्रकाश राय, ईटीवी भारत, कुशीनगर।